हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू MA5। दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज तहदिल से स्वागत करता हूं हमारे MA5 चैनल पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो साउंड इंजीनियर के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। जी हाँ, साउंड इंजीनियरिंग या फिर ऑडियो इंजीनियरिंग ले लीजिए, ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बेसिक से शुरुआत करूँगा। वी विल हैव ए टूर, कंप्लीट टूर अबाउट साउंड इंजीनियरिंग, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्सेस क्या है और सैलरी वगैरह किस तरह से रहेगी। कई लोगों को तो इसके बारे में करियर ही पता नहीं होता है कि साउंड इंजीनियरिंग भी एक सेपरेट करियर होता है बोल के, राइट। सारे लोग समझते हैं मैकेनिकल या फिर CSE या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल, राइट। ये चारों को पर फोकस ज़्यादा होता है, बट इसके अलावा भी कई तरह के इंजीनियर्स होते हैं दोस्तों दुनिया में, ओके। इसीलिए हमने इंजीनियर्स के सब कैटेगरी वीडियोज़ को स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को पता चले और एक्सप्लोर करें आप करियर्स को कि इंजीनियरिंग कैटेगरी में कितने सब कैटेगरीज आते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑडियो इंजीनियरिंग या फिर साउंड इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। जिन लोगों को म्यूज़िक पसंद है, जो म्यूज़िक लवर हैं, उनके लिए एक बेस्ट करियर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हमारा जो पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे, एलिजिबिलिटी, ओके। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉलेजेस, रिक्रूटर्स, सैलरी, ओके, और करियर एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको इसमें बताऊँगा। तो चलिए मेरे म्यूज़िक लवर्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, चाहे वो करियर के रिलेटेड हो या फिर चाहे एग्जामिनेशन के रिलेटेड हो, और जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं वो भी हमारे एजुकेटर्स लेकर आते हैं आपके लिए, वो टाइम टू टाइम आपको मिल सके दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। सो ऑडियो इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द डिसिप्लिन्स इन द इंजीनियरिंग कोर्स माना जाता है दोस्तों, जो कि साउंड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, ओके। यहाँ पे आपको साउंड मिक्सिंग करना होता है या फिर नए नए म्यूजिक्स को तैयार करना होता है, राइट। और जो भी ऑडियो इंजीनियरिंग करते हैं उनको हम ऑडियो इंजीनियर्स कहा जाता है दोस्तों, ओके। एंड दे वर्क विद द साउंड्स लाइक रिकॉर्डिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, इक्वलाइजेशन हो गया, और कई तरह के अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी ये लोग यूज़ करते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड को यूज़ किया जाता है। आपने बहुत बड़े बड़े एम्पलीफायर्स देखे होंगे, आपने कहीं पे पार्टीज वगैरह अटेंड किया होगा जहाँ पे डीजेस होते हैं, राइट। न जाने वो क्या बटन्स को ऊपर नीचे करते हैं और वो जो साउंड मैनिपुलेशन होता है वहाँ पे, ओके, उनके इक्वलाइजेशन को चेंज किया जाता है, सॉरी मैनिपुलेशन इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, इक्वलाइजेशन इज़ द करेक्ट वर्ड, ओके। तो ये सारा कुछ जो डील करते हैं ना, इसकी भी कंप्लीट पढ़ाई होती है, ये आपको सिखाया जाता है कोर्सेस में। इस पे भी आपको सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम कोर्सेस डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी एक बेसिक डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ऑडियो इंजीनियरिंग मीन्स टू वर्क विद द साउंड्स लाइक वर्क विद रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, इक्वलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड हो गया दोस्तों। सो बेसिकली दे डील विद द रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड, जो गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं उनको बेस ऐड किया जाता है, उनके ट्यूनिंग चेंज की जाती है, उनके तरह तरह के इक्विपमेंट्स ये लोग यूज़ करते हैं दोस्तों साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, राइट। एंड द रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी होता है, आप कभी कहीं देखा होगा अपने सॉन्ग्स जो मेकिंग होते हैं यूट्यूब में, आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो होते हैं जहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं बाई यूजिंग अकोस्टिक इक्विपमेंट्स, राइट। और आपको एक इंस्ट्रूमेंटल पैनल भी देखने को मिलेगा जहाँ पे रिकॉर्डिंग को मैनेज किया जाता है, एक यू नो द ग्लास ऑफ, एक बॉक्स होता है जो ग्लास से बना होता है, उसके बाहर एक इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स होता है जो मैनेज करते हैं लोग, राइट। तो ऑडियो इंजीनियरिंग या फिर साउंड इंजीनियरिंग, आप दोनों भी एक ही होता है, डोंट कन्फ्यूज, कैन ऑल्सो सेटअप एंड ड्यू लाइव म्यूजिक मिक्सिंग फॉर म्यूजिक कंसर्ट्स, याद रख लीजिए, ओके। अगर आप में इसमें अच्छे से ट्रेन हो गए तो आप खुद का जो है एक म्यूजिक स्टूडियो खोल सकते हैं दोस्तों। एंड इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात करें तो थॉमस एडिसन वॉज अ फर्स्ट पर्सन हु रिकॉर्ड साउंड यूजिंग ए मशीन कॉल्ड फोनोग्राफ, याद रख लीजिए, एक थोड़ा एक नॉलेज बाइट आप बोल सकते हैं इसको। थॉमस एडिसन जो है पहले थे जिन्होंने साउंड को रिकॉर्ड किया था बाय यूजिंग ए मशीन, और उस मशीन का नाम था फोनोग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, तो लेट्स गो। तो एलिजिबिलिटी एंड कोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द ऑडियो इंजीनियर्स कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ अकोस्टिक या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके आते हैं, या फिर कोई ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग करके आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आते हैं दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट बैचलर सेक्टर से ये लोग बिलोंग करते हैं, राइट। एंड और इसको ऑडियो इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको मोस्टली यू नीड ए सर्टिफिकेशन या फिर ओकेशनल ट्रेनिंग कोर्स आपको चाहिए दोस्तों,
और आपको एक अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए। किस पे? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पे। जी हाँ, सही सुना आपने। आप सोच रहे होंगे सर साउंड इंजीनियरिंग में तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, गिटार, वायलिन, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहाँ से आ गया? नहीं दोस्तों, आजकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई है और ये इंस्ट्रूमेंटल जो है पूरा इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है। ठीक है, सिर्फ बटन से आप ऊपर नीचे करेंगे तो साउंड का बेस चेंज हो जाता है, उसकी ट्यूनिंग चेंज हो जाती है, राइट। तो उसी लिए आपको एक गुड नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग भी आपको आनी चाहिए दोस्तों। ओके, तो बेस्ट कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि क्रिएटिव मीडिया आर्ट्स एंड डिजिटल साउंड इसे कहा जाता है, इसमें सर्टिफिकेट दी जाती है, आपको 2 साल का ड्यूरेशन होता है दोस्तों यहाँ, एंड ये आपको सर्टिफिकेट इन रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो इंजीनियरिंग, उसके बाद सर्टिफिकेट इन ऑडियो टेक्नोलॉजी, उसके बाद सर्टिफिकेट इन ऑडियो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये तीनों में आपको देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा इन रिकॉर्डिंग आर्ट्स हो गया दोस्तों, जो कि 1 साल का कोर्स होता है, आफ्टर 10th या फिर आप 12th के बाद भी इसको परस्यू कर सकते हैं, या तो आप डिप्लोमा जा सकते हैं या फिर गाड़ी पलटा के आप बैचलर कोर्सेज भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, स्टूडेंट कैन ऑल्सो परस्यू बैचलर डिग्री इन साउंड इंजीनियरिंग विद एलिजिबिलिटी ऑफ 10+2। ओके, और उसके बाद मास्टर कोर्सेज होते हैं, याद रख लीजिए। ओके, स्टूडेंट्स कैन परस्यू मास्टर और डॉक्टरल कोर्सेज एट वेरियस यूनिवर्सिटीज, राइट। देखिए, बेसिकली मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे एक लाइन मैं ऐड करना चाहता हूँ। टू बिकेम एन ऑडियो इंजीनियर या फिर साउंड इंजीनियर, नॉट ओनली दिस, कोई भी सेक्टर ले लीजिए, जितने भी हमने पढ़ाता आया हूँ मैं आपको करियर्स के रिलेटेड, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी सर्टिफिकेशन। ठीक है, आपके पास अगर स्किल है, आपके पास क्रिएटिविटी की नॉलेज है, सो इट डज़ नॉट रिक्वायर इन सर्टिफिकेशन। बट हाँ, एक क्लॉज मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, बट सर्टिफिकेशन मे बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग ए गुड जॉब। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपके पास किस तरह से आप इंटरव्यूअर को दिखाएंगे कि मेरे पास ये स्किल है, राइट। आपके पास क्रिएटिविटी होगी, स्किल्स होगा, और यू नो आपके पास बहुत सारी नॉलेज होगी, बट उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे वहाँ पे, तो आप उसको डेमो नहीं दे पाएंगे। सर्टिफिकेशन ही आपको एक यू नो पाथ बन सकता है, एक जरिया बन सकता है आपको एक गुड जॉब का। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कई सारे बच्चों को, मेरे आसपास भी पड़ोस वाले जब मुझे एडवाइस पूछने आते हैं तो मैं इनको कहता हूँ कि डोंट फोकस ऑन सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन लेने के लिए आप यू नो टारगेट मत बनाइए, आप बनाइए आप जो सीख रहे हैं ना उसको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, डे बाय डे उसको किस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आपके क्रिएटिविटी माइंड किस तरह से लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, राइट। जी हाँ, सर्टिफिकेट को कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते, वो तो लेना ही है, बट ज़्यादा फोकस रखिएगा अपने क्रिएटिविटी पे दोस्तों, राइट। तो चलिए बात करते हैं अभी एंट्रेंस एग्जाम्स की दोस्तों। ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्जाम जो है हर तरह के इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए सेम ही होता है, अगर आप नेशनल लेवल की बात करें तो जेई मेंस, जेई एडवांस हो गया, और यहाँ पे आपको FTII एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ता है दोस्तों, इधर सेपरेटली इनके लिए डिज़ाइन किया गया है, राइट। और उसके अलावा भी कई सारे ऐसे स्टेट होते हैं, स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे आप क्वालिफाई करके यू नो यू कैन गो टू इन दिस साउंड इंजीनियरिंग कोर्स। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, क्योंकि हर कोई स्टेट में, हर कोई यू नो डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स प्रोवाइड करने वाले कॉलेजेस बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। कि आपको या तो बड़े बड़े सिटीज़ जैसे बैंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, पुणे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बट छोटे शहर से जो आते हैं उनको जो पैशन होता है साउंड इंजीनियर बनने का, तो ये ऑब्वियसली उनको बड़े सिटीज़ में शिफ्ट होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप टॉप कॉलेजेस की बात करें तो पहले तो IIT खड़गपुर हो गया जो ऑफर करता है कोर्स, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड फाइन आर्ट्स कोलकाता का है दोस्तों, ओके, वहाँ पे लोग प्रोवाइड करते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे हो गया, ओके, ग्रोटेक इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म टेक्नोलॉजी कासरगोड, यहाँ पे भी है, आपको साउथ की बात कर रहा हूँ, कासरगोड केरला में है। एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन दिल्ली की है दोस्तों, और रामोजी अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन जो हैदराबाद की है, बहुत फेमस है, और नियो फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग स्कूल जो कि कोच्चि, अगेन केरला में आपको सिखाया जाता है दोस्तों यहाँ पे साउंड इंजीनियरिंग का, ठीक है। ये फेमस कॉलेजेस मैंने बताया है, आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, बट टॉप कॉलेजेस मैंने डिस्कस किया है दोस्तों। अब रही बात जॉब्स एंड करियर की, जी हाँ दोस्तों, देखिए साउंड इंजीनियरिंग जो फील्ड है वो बहुत ही चैलेंजिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग, आपका क्रिएटिविटी, आपका कम्युनिकेशन, आपकी सोच, ओके, वो सब लगाना पड़ेगा, इस वेल एज डिमांडिंग भी है दोस्तों। एंड ये जो साउंड इंजीनियरिंग है ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इनका, और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है इनका, राइट। क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ऑडियो इंजीनियरिंग के, मैं वर्क विद म्यूजिकल आर्ट्स, मूवी डायरेक्टर्स, टेलीविजन्स, रेडियो स्टेशन में काम मिल सकता है आपको,
एंड और ज़्यादातर रिवॉर्डिंग फील्ड होता है दोस्तों आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज यू विल हैव ए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेरियस फील्ड्स सच एज रेडियो स्टेशन, स्टूडियोज, टीवी चैनल्स, एडवर्टाइजिंग फॉर्म्स, मल्टीमीडिया डिजाइंस, एनिमेशंस, ओके, थिएटर्स, ये सारा कुछ होता है जहाँ पे आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं. नेक्स्ट कम टू द टॉप जॉब प्रोफाइल्स. क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं? स्टूडियो साउंड रिकॉर्डिस्ट हो गया, ऑडियो इंजीनियर हो गया, स्टूडियो मैनेजर हो गया दोस्तों, ओके, लोकेशन रिकॉर्डिस्ट हो गया, एंड डिजिटल मीडिया एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं, जी हाँ दोस्तों. उसके बाद आप बन सकते हैं प्रोडक्शन असिस्टेंट या फिर प्रोमो प्रोड्यूसर हो गया, राइट, एंड रेडियो साउंड इंजीनियरिंग एंड अकोस्टिक कंसल्टेंट. बहुत सारे होते हैं जो जॉब प्रोफाइल जिसमें आप काम कर सकते हैं दोस्तों. ओके, जॉब प्रोफाइल्स तो बात कर लिया मैंने, और कौन सी कंपनी में आप काम करेंगे? रिक्रूटर्स, जी हाँ दोस्तों, रिक्रूटर्स के बारे में बताता हूँ. पहला जो है अमेजॉन लैब 126, बहुत ही फेमस कंपनी है ऑडियो इंजीनियर्स या साउंड इंजीनियर्स के लिए. उसके बाद ऑडियो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, एडबी, हरमन इंटरनेशनल हो गया, ओके, इंटरफेशियो लिमिटेड, मेयर साउंड लैबोरेटरीज, ओके, ये नाम आपको थोड़ा बहुत नए दिख रहे होंगे, राइट, क्योंकि इतना ये लोग प्रिफर नहीं करते, आजकल के जो बच्चे हैं इतना ये लोग प्रिफर नहीं दिखाते डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड को, क्योंकि वो लोग डरते हैं दोस्तों. देखिए, डरिएगा नहीं, ओके, जब तक एमीफाई आपके साथ है हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, और हमारे जो दूसरे एजुकेटर्स हैं जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको जो है मदद करेंगे, ओके, डरने का नहीं, बस आगे बढ़ते रहने का. मेजर रिक्रूटर्स की बात करें तो जैसे अभी THS लिमिटेड हो गया, अपोगी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, बहुत सारे होते हैं जो इसमें आपको जॉब ऑफर करते हैं दोस्तों. और रही बात सैलरी पैकेजेस की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इनकी जो सैलरी होती है वो मिनिमम शुरुआत होती है 20,000 to 30,000 पर मंथ. अगर आप एक बार अच्छा एक्सपीरियंस ला लेते हैं इस फील्ड में, गुड एक्सपीरियंस हो जाए आपको, तो आप अपना खुद का एक ओन रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल सकते हैं दोस्तों. आजकल आपने देखा होगा पहले पहले जो स्ट्रगलर्स होते हैं, ओके, वो किस तरह से यू नो दूसरे के स्टूडियोज में जाकर अपने टैलेंट को दिखाकर वहाँ पर जॉब लेकर आप धीरे धीरे अपने खुद के स्टूडियोज भी ओपन कर रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े फिल्म्स के गाने गवाए जाते हैं उधर, राइट, एंड यू कैन ईजिली ग्रैब 6-figure सैलरी ओवर देयर दोस्तों. सो दिस इज अबाउट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट साउंड इंजीनियरिंग. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. ओके, डरिएगा मत, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपका पैशन है म्यूजिक में, मिक्सिंग में, आप एक म्यूजिक लवर हैं, तो डेफिनेटली आप जो इसमें इंजीनियरिंग कीजिएगा. ओके, आपके पेरेंट्स को भी समझाइए, क्योंकि उन लोगों को भी यू नो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में बस इतना माइंड में रख दिया गया है कि या तो मैकेनिकल करो, या तो सिविल करो, या तो कंप्यूटर करो, आईटी करो, राइट, दूसरे इंजीनियर्स की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है दोस्तों, क्योंकि उसको एक चीप कैटेगरी समझा जाता. नहीं, सभी लोगों का एक ही समान है, और इनफैक्ट ये मैकेनिकल, सिविल, इनसे कई ज़्यादा डिमांड इन इंजीनियर्स में होता है. ओके, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.